नमस्कार, मैं हूं मेघा वर्मा। एवन न्यूज टीवी में आपका स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं कुछ खास खबरों के साथ। लोकसभा चुनाव से पहले विपक्षी एकता दिखाने के लिए ममता बनर्जी ने आज कोलकाता के ब्रिगेड मैदान में विपक्ष की महारैली बुलाई। इस रैली में 22 पार्टियों के नेताओं ने हिस्सा लिया। वाजपेयी सरकार में मंत्री रहे दिग्गज नेता यशवंत सिन्हा ने मोदी सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि हम जानते हैं कि पिछले 56 महीने में इस देश में जो कुछ हुआ उससे सबसे बड़ा खतरा देश के लोकतंत्र पे खड़ा हो गया है। आज मैं कहना चाहता हूँ कि आज हमारे सामने मोदी मुद्दा नहीं है, आज मुद्दे ही मुद्दे हैं। वो चाहते हैं हम मोदी को मुद्दा बनाएं, लेकिन हम मुद्दों को ही मुद्दा बनाएंगे। दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने पुलिस को कड़ी फटकार लगाई है। अदालत ने दिल्ली पुलिस से पूछा कि आखिर आप दिल्ली सरकार की इजाजत के बिना चार्जशीट क्यों दाखिल करना चाहते हैं? जब तक दिल्ली सरकार इस मामले में चार्जशीट दाखिल करने की इजाजत नहीं देती, तब तक वो इस पे संज्ञान नहीं लेगा। आपको बता दें, दिल्ली पुलिस ने JNU मामले में 14 जनवरी 2018 को 1200 पन्नों की चार्जशीट दाखिल की थी। राफेल मामले में एक बार फिर कांग्रेस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर आरोप लगाया है। कांग्रेस नेता और पूर्व वित्त मंत्री पी चिदम्बरम ने एक रिपोर्ट का जिक्र करते हुए कहा कि सौदे में भारतीय वायु सेना 90 विमान से वंचित करते हुए सरकारी खजाने से दसौ कंपनी को हर विमान पर 186 करोड़ रुपए का मुनाफा दिया गया। 2015 में 36 जेट लड़ाकू विमानों को लेकर दिए गए ऑर्डर में प्रति विमान 41% अधिक कीमत पर करार किया गया। पी चिदम्बरम की टिप्पणी के बाद वित्त मंत्री अरुण जेटली ने ट्वीट कर अपना जवाब देते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने राफेल की कीमतों की जांच की है। मध्य प्रदेश के शहडोल की कलेक्टर अनुभा श्रीवास्तव और डिप्टी कलेक्टर पूजा तिवारी के बीच विवादास्पद व्हाट्सएप चैट वायरल हुआ है। इस संबंध में पुलिस ने अज्ञात आरोपी के खिलाफ मामला भी दर्ज किया है। चैट मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के दौरान का है। इसमें डिप्टी कलेक्टर से कलेक्टर साहिबा बीजेपी के पक्ष में काम करने के लिए कह रही हैं। इस सीट पर बीजेपी प्रत्याशी को जीत मिली थी। कांग्रेस ने इस चैट के वायरल होने के बाद फिर से शहडोल जिले की जैतपुर विधानसभा सीट पर चुनाव कराने की मांग की है। रिसर्च एंड एनालिसिस विंग और दिल्ली पुलिस ने साथ मिलकर एक बड़े ऑपरेशन को अंजाम दिया। बताया जा रहा है ISI भारत में दंगे करवाने के लिए षड्यंत्र रच रहा था, जिसका पर्दाफाश करते हुए दिल्ली पुलिस और रॉ ने 3 संदिग्ध लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इन आरोपियों से पूछताछ में खुलासा हुआ है RSS के कई बड़े नेता इनके निशाने पर थे। इसके लिए वली मोहम्मद को खास तौर से ट्रेनिंग देकर काबुल से भारत भेजा गया है। 21 जनवरी यानी आने वाले सोमवार के दिन अनोखा चंद्र ग्रहण लगने वाला है। ग्रहण 3.5 घंटे का होगा। हालांकि भारत में ये दिखाई नहीं देगा, लेकिन फिर भी इसका असर 15 दिनों तक रहेगा। ग्रहण के दौरान चंद्रमा 15% बड़ा होता है। अभिनेत्री कंगना रनौत की फिल्म मणिकर्णिका द क्वीन ऑफ झांसी की कल स्पेशल स्क्रीनिंग रखी गई। ये स्क्रीनिंग राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के लिए थी। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के अकाउंट से ट्वीट कर लिखा है, प्रेसिडेंट हाउस में राष्ट्रपति कोविंद ने झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के जीवन पर आधारित फिल्म मणिकर्णिका देखी। इसके बाद फिल्म की कास्ट और क्रू का सम्मान किया गया। राष्ट्रपति के ट्विटर अकाउंट से स्क्रीनिंग की कुछ तस्वीरें शेयर की गई हैं। इस दौरान वहां बीजेपी के वरिष्ठ नेता लाल कृष्ण आडवाणी भी मौजूद थे। सिद्धार्थनगर से ब्रजेश पांडे की रिपोर्ट के अनुसार सिद्धार्थनगर की पुलिस को एक बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने 2 शातिर चोरों को गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है बीते 12 जनवरी को शुभम पैलेस से रात को एक मोटरसाइकिल CT 100 चुरा ली गई थी, जिसकी सूचना विजय बहादुर ने थाने में दर्ज कराई। इसके अलावा हुसैनगंज में विशाल भंडार ज्वेलर पर रात को चोरों ने अलमारी तोड़कर जेवरात चुरा लिए। आरोपी के पास एक मोटरसाइकिल और 8 लाख के जेवरात बरामद हुए हैं। इनके द्वारा मोटरसाइकिल चोरी और ज्वेलरी की दुकान में चोरी की गई थी। कीमत लगभग 8 लाख रुपए बरामदगी सोने चांदी और मोटरसाइकिल की मैतमंजे के साथ गिरफ्तार किए गए हैं। लखीमपुर खीरी से संजय राठौर के मुताबिक मैलानी खीरी नगर पंचायत के वार्ड नंबर 3 में रहने वाले सुरेश के घर में अचानक आग लग गई। आग में 10,000 रुपए भी जल गए। इसके अलावा जेवरात के साथ घर का सारा सामान खाक हो गया। घटना की सूचना मिलने पर चेयरमैन देवेंद्र बाबू ने पीड़ित परिजनों को 5,000 रुपए दिए और रहने की व्यवस्था भी कराई। मंजीत सिंह के मुताबिक पंजाब में किसान मजदूर संघर्ष कमेटी ने विधायक कुलबीर सिंह जीरा के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। प्रेस क्लब में उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार बनते ही इलाके में गुंडा राज शुरू हो गया, रेत का काला कारोबार भी शुरू हो गया, नशे का कारोबार फैल गया, गरीबों की जमीनों पर कब्जा किया गया। इन सभी की जांच हाई कोर्ट के सिटिंग जज से करवाने की मांग की गई है। ये अपने भाई साहब ये नहीं गा, असी जे तुसी रिकॉर्ड काट लो, असी जदों दी सरकार बनी जा उस तो पहला दूजी अकाली भाजपा सरकार दे विरोध भी जो उन्होंने
ਇੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਧੱਕੇ ਕੀਤੇ ਆ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਜਾਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਕੀਤਾ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੀ ਲੜ ਰਿਹਾ ਸਾਂ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਕੀਤੇ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੀ ਲੜ ਰਹੇ ਸਾਂ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜਾਂ ਸਿਟਿੰਗ ਜੱਜ ਤੋਂ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾ ਕੇ, ਜਿਹੜੀ ਜੋ ਵੀ ਦੋਸ਼ੀ ਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕੁਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀਰਾ ਵਾ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਆ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਪੁਲਿਸ ਆ, ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਆ ਜਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆ, ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਦੋਸ਼ੀ ਉਹ ਬਖਸ਼ਿਆ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਬੁਲੇਟਿਨ ਮੇਂ ਫਿਲਹਾਲ ਇਤਨਾ ਹੀ, ਆਪ ਦੇਖਦੇ ਰਹੇ ਵਨ ਨਿਊਜ਼ ਟੀਵੀ। ਨਮਸਕਾਰ।